इस निजाम को समझें जो बचपन से जवानी तक का सफर है, इसमें इंसानी दिमाग कहाँ से बनता है, किस मौके पर अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, बहुत जबरदस्त निशानी अल्लाह ने दी, ये सारा कुछ हो सकता था। अब जब आप जत्थे के ताबे हो जाते हैं, अपने आप को ताबे कर लेते हैं, तो जो जत्थे ने जिस जिस नहज के ऊपर, जिस इम्तिजाज पे, जिस अकीदे के ऊपर सेटलमेंट की हुई थी, वो आपका अकीदा विरसे में आपको मिल जाता। अकीदे का लफ्ज गौर से समझे तो यही हुआ फिर हमारे साथ भी, हम सबके साथ भी, और तमाम अंबिया आके इसी सबसे पहले इस जत्थे के इस रेले को तोड़ते हैं कि रुक जाओ, खड़े हो जाओ, पीछे मुड़ के देखो, ना आगे वाले को खबर है कहां जा रहा है, ना पीछे वाले को पता है किसका पीछा कर रहा है, खड़े हो जाओ, तुझसे तेरा अपना सवाल होगा। क्या सवाल होगा? मन रब्बुका। फिर बता रहा हूं आपको, कोई बहाना नहीं चलेगा उधर कि मैं तो जिस मौके पे पैदा हो गया था तो यही सारा वही कुछ चलता रहा, कोई अल्लाह को नहीं कहेगा अल्लाह तूने मुझे इस वक्त पैदा किया था तो मेरे पास मजबूरी थी, ये तो हो ही नहीं सकता ना, दिस इज नॉट इवन अ रिमोट पॉसिबिलिटी। सो जब इसके उल्टे सवाल होने हैं तो हम सीधे ये रेले के रुख की तरफ क्यों बढ़ गए हैं? सवाल रेले के खिलाफ हो रहे हैं, हम रेले का बहाना बना के बैठे। इन्हें जो उसको सुनाना शुरू करें, इसने ध्यान से, बेटा सारे के सारे गलत हो सकते हैं, सारे के सारे गलत हैं भी इस वक्त, ये जो इक्का दुक्का तुझे नजर आएंगे ना, जो तेरे से राइम करेंगे, तेरे उन सवालों का जवाब दे रहे होंगे, उनको परख, क्या पता ये सही कह रहे हो, अकेले हैं। ये जो मायूब लग रहा है ना, सारा का सारा जत्थे को तोड़ना, ये सही हो सकता है, ये काम करके देख, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉन थ्रू। बस वो हिम्मत जो है ना, वो अम्मा और अब्बा देते हैं।